दोस्तों यदि आप एक ब्लूटूथ यूएसबी अडाप्टर को लेने जा रहे हैं तो पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए दोस्तों, वरना ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टॉप 4 ब्लूटूथ यूएसबी अडाप्टर के बारे में बताऊंगा। मैं सभी तरह के ब्लूटूथ अडाप्टर के बारे में आपको बताऊंगा, लो रेंज, मिड रेंज, हाई रेंज, और सभी का फुल फीचर्स और फुल डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा ब्लूटूथ अडाप्टर को लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लो प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे लो प्राइस में आता है न्यू डार्ट यूएसबी अडाप्टर 2.0। इसका जो स्पीड है वो 3 Mbps पर सेकेंड है। सपोर्टिंग विंडोज के बारे में बात करें तो यह विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज XP और विंडोज 7 में कनेक्ट हो जाता है, यानी कि काम करता है। उसके बाद यह प्लग इन प्ले नहीं है, यानी कि आपको जो है इसको यूज करने के लिए इसके ड्राइवर को आपको जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी यह काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वारंटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलेगा। सपोर्टिंग डिवाइस के बारे में बात करें तो यह ऑल ब्लूटूथ डिवाइस में सपोर्ट करेगा, जैसे मोबाइल हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, सभी में ये वर्क कर जाएगा। उसके बाद इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो 149 है। उसके बाद दोस्तों सबसे हाई प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे हाई प्राइस में आता है आसूस की तरफ से आसूस यूएसबी अडाप्टर BT400। इसका जो स्पीड है वो 3 Mbps है। रेंज के बारे में बात करें तो जो रेंज है वो 10 meters का है। सपोर्टिंग विंडोज के बारे में बात करें तो यह विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8 में वर्क कर जाता है, 32 and 64 bit दोनों में। और यह प्लग एंड प्ले नहीं है, मतलब कि इसको भी यूज करने के लिए आपको जो है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग डिवाइस के बारे में बात करें तो यह ऑल ब्लूटूथ डिवाइस में सपोर्ट कर जाएगा, जैसे मोबाइल, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हेडफोन, सभी में ये वर्क कर जाएगा। तो उसके बाद इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो लगभग 2600 रुपया पड़ेगा। उसके बाद मिड रेंज के बारे में बात करें तो मिड रेंज में आता है टीपी लिंक के तरफ से टीपी लिंक 4.0, यानी कि UB400। यह एक नैनो यूएसबी अडाप्टर है। यदि इसका स्पीड के बारे में बात करें तो इसका जो स्पीड है वो 3 Mbps का है। सपोर्टिंग विंडोज के बारे में बात करें तो यह विंडोज XP हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, और विंडोज 8.1 हो गया, और विंडोज 10 हो गया, इनमें ये वर्क कर जाएगा। उसके बाद इसके रेंज के बारे में बात करें तो इसका जो रेंज है वो 20 meters है। और यह प्लग एंड प्ले है, यानी कि ड्राइवर फ्री है, आप इसको अपने कंप्यूटर में लगाइए और यूज कीजिए, आपको कोई भी ड्राइवर जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसके वारंटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1 साल का वारंटी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद सपोर्टिंग डिवाइस के बारे में बात करें तो यह ऑल ब्लूटूथ डिवाइस, जैसे कि मोबाइल हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, सभी ब्लूटूथ डिवाइस में बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 499 है, और यह इस प्राइस में सबसे बेस्ट ब्लूटूथ अडाप्टर माना जाता है। उसके बाद नंबर 1 ब्लूटूथ अडाप्टर के बारे में बात करें तो नंबर 1 ब्लूटूथ अडाप्टर है टीपी लिंक के ही ओर से, टीपी लिंक का 5.0, यानी कि UB500। यह भी नैनो यूएसबी अडाप्टर है। यदि इसके स्पीड के बारे में बात करें तो इसका जो स्पीड है वो 3 Mbps है। सपोर्टिंग विंडोज के बारे में बात करें तो यह विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8.1 हो गया, विंडोज 10 हो गया, और विंडोज 11 में भी यह सपोर्ट कर जाता है। उसके बाद इसका जो रेंज है 20 से 25 मीटर का है, और यह भी प्लग एंड प्ले है, यानी कि ड्राइवर फ्री है, मतलब इसको लगाइए अपने कंप्यूटर में और यूज कीजिए, आपको कोई भी ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। और इसमें वारंटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1 साल का वारंटी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद सपोर्टिंग डिवाइस के बारे में बात करें तो यह भी ऑल ब्लूटूथ डिवाइस, जैसे कि मोबाइल हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, सभी ब्लूटूथ डिवाइस में बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 599 है।
और यह भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्लूटूथ यूएसबी अडाप्टर है। मैं इसको खुद पर्सनली यूज करता हूँ, अभी तक मुझे जो है इसमें कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिला, बहुत ही मस्त काम करता है, मैं इसे खुद यूज करता हूँ। तो यही थे टॉप 4 ब्लूटूथ यूएसबी अडाप्टर दोस्तों। मैंने तीनों तरह के ब्लूटूथ अडाप्टर के बारे में आपको बता दिया, लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज, सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।